अगली खबर है रसूलाबाद से। कानपुर देहात शासन के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी नेहा जैन व पुलिस अधीक्षक ने तहसील रसूलाबाद में जन सुनवाई करते हुए ग्राम प्रधानों सभासदों के साथ बैठक की, जिस बैठक में खंड विकास में 91 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें की 36 महिला प्रधान और 55 पुरुष प्रधान निर्वाचित हैं। जिसमें इस बैठक में महिला प्रधानों की संख्या 0 रही, जिसे देखकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जनपद महिला अधिकारी प्रधान जनपद है तो महिला ग्राम प्रधानों को भी एक जन प्रतिनिधि होने के नाते आगे रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दोबारा महिला ग्राम प्रधानों के साथ बैठक किए जाने की बात भी कही। बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानगणों की समस्याओं को सुना एवं उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानगण अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मॉडल गांव का निर्माण करें, वहां पर खेलकूद मैदान पार्क आदि बनाए। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प पूरा कराएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों में प्रचार प्रसार कर उन्हें लाभान्वित करें। इसके पश्चात उन्होंने तहसील रसूलाबाद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डाक रजिस्टर, गार्ड फाइल, दैवीय आपदा प्रकरण, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सत्यापन कार्य, घरौनी वितरण, राजस्व वसूली, आवासीय पट्टे, न्यायालय वाद आदि को चेक किया। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करवाएं तथा ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से जनता को लाभ दिलवाएं। इसके पश्चात जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने नगर पंचायत रसूलाबाद सभागार कक्ष में सभासदों एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को सुना एवं साफ सफाई आदि संपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके सिंह, डीएफओ एके द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद आशा पाल सिंह एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पानी के बारे में प्रधानों को हम लोग ने जागरूक किया है और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर तक सीधा संवाद एक बनाने के उद्देश्य से आज हमने यहाँ पे सर रसूलाबाद में 91 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 36 महिला ग्राम प्रधान है, 55 पुरुष हैं। आज की जो आपका सलाह आयोजित की गई ग्राम प्रधानों को, उसमें महिलाओं की संख्या केवल 2 मात्र थी। सर इस पर क्या आगे एक्शन है? और इसके लिए हम लोग ने सभी प्रधान जो पति आए थे उनको भी सजग किया है कि जब ये हमारा एक महिला बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट है, हमारे कप्तान साहब, मैं और सीडीओ साहब तीनों ही महिलाएं और बहुत सारी अन्य महिला अधिकारी हैं, तो महिलाओं की प्रतिभागिता अनिवार्य हो जाती है। और इसी क्रम में हम लोग एक महिला प्रधानों की एक अलग से कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और हम लोग ने सबको मोटिवेट किया है कि जो एक्चुअल प्रतिनिधि है महिला है।